Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस फिर से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग ये होम मेड काइट को उड़ाएंगे और ये न्यूज़पेपर से बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार है. और ये चील काट शेप में है, अगर आप ठीक से देखें तो ये चील काट है, पूरा एकदम कर्व दिया हुआ है. और ये स्टील की चरखी है, ये भी होम मेड है. और ये इस चरखी को भी बनाते हुए हमने आपको दिखाया था और इस पतंग को भी बनाते हुए दिखाया था. ये पतंग इधर से ऐसे दिखता है और इसमें जो कमान और ठड्डा लगा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा हुआ है. देखिए, पूरा एकदम तारपीन ऑयल से पेंट करके लगाया गया है, सगाई करके. इसमें यानी कि कभी भी घुन वगैरह नहीं लगेगा. खैर, इतना लंबा तो चलना ही नहीं होता. हमारा पतंग तो उड़ता है, काटता है या तो कट जाता है. तो इसको भी हम लोग जो है काइट फाइटिंग करते हैं और काइट फाइटिंग करके आपको दिखाते हैं. और ये पतंग फ्रेंड्स ऐसे बना तो हुआ है, बहुत मस्त है, लेकिन इसका ट्रायल होना भी ज़रूरी है. तो पहले हम चरखी को लगाते हैं स्टैंड पर और ये स्टैंड पे चरखी लगा दी फ्रेंड्स. हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी ये पतंग कट जाएगी, अगर ये कट जाएगी तो हम ये सब पतंग उड़ाएंगे. और कैमरामैन को बोलता हूँ पास आकर के दिखा दे आपको. तो फ्रेंड्स, ये काइट फाइटिंग कर चुकी है, ये वाली काइट फाइटिंग कर चुकी है. इससे काइट फाइटिंग होनी बाकी है और इससे भी अभी काइट फाइटिंग होनी बाकी है. बहुत शानदार पतंग है, ये सब होममेड काइट मैं आपको दिखा रहा हूँ. इसमें से कोई भी मार्केट की पतंग नहीं है, ये भी होममेड काइट है और ये भी. तो फ्रेंड्स, ये सब स्टैंड बाई में है. अगर मेरी ये पतंग कट गई तो इसमें से एक एक करके निकाल करके लड़ाऊँगा. और तो चलिए, इसको पहले हम रख देते हैं और इसकी ट्रायल करते हैं. इसकी ट्रायल करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको उड़ाते हैं. ज्यू 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 ज्या जा जा. ओए 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 भाई, क्या हो रहा है यार? ऐसे तो मस्त है फ्रेंड्स. शेप बहुत अच्छी है फ्रेंड्स इसकी. ये इसका राइट चक्कर है, ठीक है. अभी इसका एक पतंग आसमान में ऊपर खड़ी हुई है फ्रेंड्स, वो पीछे से उड़ रही है. बिल्कुल ठीक है, गद्दा भी बहुत सही पड़ रहा है फ्रेंड्स. ओहो, स्पीड भी बहुत अच्छी है भाई. और ये भी बहुत अच्छा इधर से उठा, इधर भी बहुत अच्छा गया, इधर भी बहुत अच्छा गया. तो फ्रेंड्स, पतंग मस्त है. तो इसको उड़ा देता हूँ, इससे उड़ा के काइट फाइटिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ. तो ये उतार लिया फ्रेंड्स. इसमें थोड़ा सा आगे सद्दी लगा देंगे, अगर काटने के बाद लिपाटने का मौका मिल जाए तो लपटा भी लेंगे फ्रेंड्स. तो ये मैंने अपनी पतंग उतार ली. अब इसमें फ्रेंड्स मांझा बांधेंगे और मांझा बांध करके इसको उड़ाते हैं. तो इसमें बांधेंगे फ्रेंड्स ये वाला ब्लैक कलर का मांझा, ये मांझा बांधेंगे. ये लोकल है और बहुत महंगी नहीं, हमने बहुत सस्ते में ख़रीदी थी और किसी लोकल कारीगर का है. तो चलिए, अभी इस मांझे फ्रेंड्स ये देखिए कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी आगे सद्दी बांध दी है. अगर काटने के बाद मौका मिल जाएगा तो हम लपेटेंगे भी. और ये उड़ा दी हमने, ये गई हमारी पतंग. ओ चली चली रे पतंग मेरी, चली रे. ये न्यूज़पेपर वाली काइट है. चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे. ये देखिए, टनाटन है, मस्त है. काटेगा कि नहीं काटेगा नहीं पता, ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं फ्रेंड्स यहाँ के. कुछ तो बिल्कुल ही अनाड़ी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी होते हैं. जो ज़बरदस्त खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स, वो सारे क्लब में लड़ाने वाले होते हैं, तो उनसे संभल के लड़ाना पड़ता है. मतलब कई किस्म के यहाँ पे मिक्सचर है, यानी कोई तो बहुत ही अच्छा लड़ाता है फ्रेंड्स, मेरे से भी अच्छा लड़ाता है. और कुछ कुछ मेरे टक्कर के हैं और कुछ कुछ मेरे से कमज़ोर हैं. तो तरह तरह की प्लेयर्स हैं यहाँ पर. तो अभी काफ़ी मांझा लगाना है मेरे को. ये 150 मीटर हुआ, 50 मीटर और लगाना है फ्रेंड्स. तो 50 मीटर और लगा देता हूँ, जा रही है. ये हो गया फ्रेंड्स, 200 मीटर हो गया, काफ़ी है इतना. अब DSLR से आपको दिखाया जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, आया बड़ी तेज़ी से नीचे से घुस करके. ओए काटी, अब इसको लपेटने की भी कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स. वही 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 आगे. वो तेरी की मेरी भी चली गई फ्रेंड्स. ओ माय गॉड, इतनी अच्छी पतंग चली गई फ्रेंड्स मेरी भी. अखबार वाली पतंग देखिए चली गई, बहुत ही अच्छी पतंग थी फ्रेंड्स.
ये लालच बुरी बला है। वो देखिए जा रही है, फ्रेंड्स ये लालच बहुत ही बुरी बला होती है। और बहुत अच्छी पतंग थी मेरी ये न्यूज़पेपर वाली काइट जो थी, ये होममेड थी और बहुत मस्त काइट थी फ्रेंड्स, लेकिन चली गई लपेटने के टाइम में, हवा की स्पीड अच्छी खासी है और टूट करके निकल गई मेरी पतंग। तो चलिए अब दूसरा उड़ाएंगे, उड़ा करके काइट फाइटिंग करते हैं। फ्रेंड्स वो वाली तो पतंग मेरी टूट गई फ्रेंड्स, मैंने लपेट लिया था लेकिन बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, लोड पड़ने की वजह से टूट गया। और हमारी जो न्यूज़पेपर वाली काइट थी ना सर, बहुत ही बढ़िया था। तो चलिए अब इसको उड़ाते हैं। ओ ये गया जा, ये भी बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स, बहुत लहरा के चलती है फ्रेंड्स ये, मतलब झूम झूम के उड़ती है। और आए है क्या पंख है इसके, पंख तो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, ओए होए ऊपर भी पतंग आ गया, दो दो, वो देखिए आसमान पे दो दो पतंग आ गया फ्रेंड्स। मैं कैमरामैन को बोलता हूँ फटाफट DSLR निकाल ले, किससे लड़ाऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। तोड़ाया फ्रेंड्स मैंने उसको तेजी के साथ, तेरी ऐसी की तैसी, वो काटा, वो देखिए फ्रेंड्स गई। और मेरा जो है 200K काइट जो है मस्त है, वो जा रही है देखिए, इसको नहीं लपेटूंगा नहीं तो कहीं मेरी ये भी पतंग चली जाए फ्रेंड्स। बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है, देखिए कितना तेज खींच करके काटा उसको मेरी पतंग ने। देखिए फ्रेंड्स फिर से लंडे जा रहा है और ये आ गया ऊपर से एक, वो एक वो टूट गई पतंग लग रहा है। हाँ फ्रेंड्स वो टूट गई, वो देखिए जा रही है, चली गई फ्रेंड्स टूट करके, लंडे से पहले ही टूट गई वो। वो देखिए कितने डोरों से जा रही है, और एक पतंग ऊपर आ गया है, ये देखिए ये हमारे हाथ पे से काटने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। अब मेरे को पतंग उतारनी पड़ रही है क्योंकि ये पीछे से आया हुआ है, हाथ पे से खींचने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हाथ से खींचने की कोशिश कर रहा है ये, और बिल्कुल ये चाह रहा है कि मेरे सद्दी से काट करके निकल जाए। पीछे से उड़ रही है फ्रेंड्स ये पतंग, भाग गया है फ्रेंड्स। देखिए अब आगे लड़ाने जा रहा हूँ मैं, और ये काफ़ी दूर लड़ रहा है मेरा पेच, और पीछे से एक पतंग ने बहुत तंग किया था। वो देखिए उछल करके गई फ्रेंड्स, छुआते ही एक की तो उछल करके गई, अब दूसरा बाकी है, दूसरी भी उछाल दी फ्रेंड्स। देखिए मेरा होममेड काइट 200K वाले काइट ने दो दो पतंग एक साथ उछाली एक के बाद एक, जो भी आएगा मैदान में सबकी सफाई कर देंगे हम। फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रहा है, और ये 600 मीटर प्लस पे लड़ रहा है फ्रेंड्स, बहुत दूर लड़ रहा है, आपको जूम करके दिखाया जा रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। और ये ओपोनेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, आ रहा है नीचे से,
वो पूरा खींचा, देखा फ्रेंड्स अभी आपने कितनी तेज खींचा उसने, लेकिन मेरा डोर नहीं आया। अगर मेरा डोर आ जाता तो फ्रेंड्स मेरी पतंग कट जाती। ये बहुत दूर लड़ रहा है फ्रेंड्स, और मेरी होममेड काइट देखिए दूर लड़ने में भी कामयाब है। अभी इससे पहले जो दो पेच मैंने लगातार एक साथ काटा वो भी फ्रेंड्स बहुत ही दूर था। वो गई उछल करके फ्रेंड्स, उसको जगह नहीं दिया मैंने। देखिए उछल करके जा रही है वो, उसको जगह जरा भी नहीं दिया। और देखिए कैसे उछलती कूदती हुई जा रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पेज बहुत दूर लड़ा है, बहुत, ये 700 मीटर भी क्रॉस कर गया था। आपको जूम करके दिखाया जा रहा था तो इसलिए पता नहीं चलता है। और इससे पहले वाले दोनों पेज भी 500 मीटर प्लस पे लड़ा था फ्रेंड्स, ये उससे भी ज़्यादा दूर। और हम अपनी पतंग को उतार रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ खींच करके, जल्दी जल्दी उतार रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए हम लोग पतंग उतार ले रहे हैं और बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स। आपको बता दूं कि कई लोगों को लगता था कि ये पतंग जो है काइट फाइटिंग नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी काइट फाइटिंग करी है मेरी पतंग ने, और काफ़ी दूर जा करके काट करके। अभी जो लास्ट वाला पेच आपने देखा वो 700 मीटर प्लस था, और उससे पहले के जो दो पेच आपने देखा वो 500 मीटर प्लस पे है, इसने पेच काट दिया था फ्रेंड्स। अब पूरा उतार करके हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी पतंग उतर आई है काट पीट करके, और कई सारी पेच काटी है, पता नहीं कितनी काटी है। और एक पतंग तो बिल्कुल इसको सद्दी से काटने के चक्कर में लग रहा था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने अपना मांझा तक पतंग को उतार लिया था फ्रेंड्स, उसको पता नहीं चला। और उसने जैसे ही खींच करके निकला वो पतंग कट करके ये पड़ोसियों की छत पर ही गिर गई फ्रेंड्स। और ये बहुत फनी पेच था ये वाला, जो सद्दी से काटने की कोशिश कर रहा था उसी की कट गई। और फ्रेंड्स इस पतंग की वजह से आपने देखा भी होगा, इस पतंग की वजह से मेरा कम से कम 40-45 मिनट ख़राब हो गया। मैं आगे नहीं लड़ा पाया, जब तक इस पतंग मैंने काट नहीं दिया तब तक मैं आगे नहीं लड़ा पाया फ्रेंड्स। और जो आगे की पेच लड़ी है वो काफ़ी दूर लड़ी है। तो फ्रेंड्स ये पतंग जो है ये प्रूफ करता है कि ये दूर के पेच में भी, मैंने तीन पेच जो है 500 मीटर प्लस पे लड़ाया और एक पेच 700 मीटर प्लस पे लड़ाया, और बाकी 300-200 मीटर की पेच पे भी पेच लड़ा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लैट्स ऑफ मेनगोस। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। Thank you.